नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। डबवाली के अबूब शहर से किसान लगातार एक सप्ताह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जामनगर हाईवे को लेकर जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसके चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसान सरकार से आर पार के ऐलान करने के बाद धरने पर उतरे, जिसको लेकर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह जी हमारे साथ हैं, जो लॉकडाउन के बाद लंबे अंतराल के बाद सीधे डबवाली पहुंचे और सीधे किसानों के धरने पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा आपकी सेहत कैसे है, ठीक ठाक? बहुत अच्छा है, सबका शुक्रिया, धन्यवाद मनु साहब। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी पीड़ा है कि किसान ओवरऑल पूरे देश में धरने पर है, लेकिन डबवाली के साथ हर बार यही होता है कि हर बार संघर्ष की राह अपनानी पड़ती है। क्या लगता है, सबसे पहले आपका रिव्यू जानना चाहूँगा सर, इस जामनगर हाईवे को लेकर किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार जो किया जा रहा है, खास करके मुआवजा राशि को लेकर, क्या लगता है आपको कहाँ पर सबसे बड़ी कमी रह गई? कमी सरकार की नीति और नियत पे है। सरकार की नीति भी गलत है और नियत में खोट भी है। अगर सरकार चाहे, आज केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ सांसद भी बीजेपी का है, और हरियाणा के अंदर भी मिलीजुली सरकार है बीजेपी और जजपा की, और खुशकिस्मती इस बात की भी है कि जो महकमा है वो भी उप मुख्यमंत्री के पास है, रेवेन्यू का पैसा लाने का काम, देने का काम केंद्र सरकार का है, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना है, वो एमपी हमारी वहाँ से है, वो लाए, और मुआवजा तय करने का काम हरियाणा सरकार का है और वो महकमा दुष्यंत के पास है, और ये खास तौर पे तो वैसे तो सारा हरियाणा उसी का है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री है, पर ये तो उनका गृह क्षेत्र है, दो बार यहाँ से एमएलए भी बनाया है उनको, पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसके बावजूद भी अभी तक किसान बैठे हैं धरने पे, और सिर्फ धरना, अगर उनकी समस्याओं को गहराई से आप सुने तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके भी आंखों में आंसू आ जाए, मतलब इतनी पीड़ादायक फैसला है। जिस तरीके से ये सड़क निकलेगी, ठीक है राष्ट्रीय राजमार्ग बनने चाहिए विकास के लिए, मैं उसके कोई विरोध में नहीं हूँ, पर उसको करने से पहले किसानों को उचित मुआवजा और उचित सुविधा देने की बात है। मैं आपके सामने एक ही चीज़ छोटा सा, क्योंकि ये एक किसान है, इसकी 4 किले भूमि है, 4 किले भूमि है, 1, 2, 3, ये 4, ये सड़क है, ये राजस्थान कैनाल है, अब ये इसकी ढाणी है, ये सड़क यहाँ से ये इतना हिस्सा इधर रह गया, इतना हिस्सा इधर रह गया, ठीक है, ये किला इतना इधर रह गया, ये किला इधर इधर रह गया, अब इस का खाड़ा इधर है, इस जमीन को, इस जमीन को कैसे पानी लगाएगा और क्या पानी लगाएगा? 4 किले जमीन है, 4 टुकड़े हो गए, रास्ता नहीं, पानी का नहीं, ये तो उजड़ गया। और सरकार अगर मुआवजा देती भी है तो पुनर्वास का भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो उजड़ा है, मुआवजे के साथ पुनर्वास भी होना चाहिए। तो मेरा कहने का, ऐसा सैकड़ों केस है, पर समस्या यही है कि सरकार की नीति जो है वो किसान विरोधी है, नीयत ठीक है, नीयत में खोट। अगर करना चाहे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा गवाह है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लेख भी आया है कि 10 साल के अंदर कभी भी किसान को धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इस सरकार में जो ये कहते हैं, खास तौर पे जजपा के, हम फोटो तो चौधरी देवीलाल जी की लगा रखी है, और उनके राज में धरना छोड़ो, पीपली में किसानों के तो लठों से पिटाई की गई है, और वो ये कहते हैं, मुझे बहुत दुख की कहना पड़ता है कि ये फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये लाठियां किसानों पे नहीं, कि चौधरी देवीलाल के परिवार पे लगी है। तो क्या चौधरी देवीलाल परिवार इतना कमज़ोर हो गया कि लाठियां पड़ी और सत्ता में बैठा रहे? अरे वो उस चौधरी देवीलाल परिवार, जो चौधरी देवीलाल तो कुर्सी को ठोकर मार के आ जाया करते थे। अगर आपको इतनी पीड़ा है तो या तो जायज़ फैसला कराओ, तीनों अध्यादेश को वापस कराओ,
और नहीं तो सत्ता छोड़ के आओ। और यही इसी मसले पे मैं भी उनसे मांग करूंगा, रिश्ते में तो मेरा पोता है पर आस्पद उसके पास बहुत बड़ा है, तो मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते, एक किसान के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ आए, इनको जायज़ मुआवजा दिलाने का काम करें। अगर मुआवजा नहीं, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अगर मुआवजा नहीं दे सकते तो एक मेरा सुझाव है, छोड़ो ना मुआवजा, ना हमारी ज़मीन लो, ना हमें मुआवजा दो। इस नहर से लेकर उस नहर के ऊपर तक एलिवेटेड सड़क बना दो, कुछ समस्या खत्म। क्योंकि ये जो दो, इस दोनों का रास्ता है, ये बहुत दिक्कत है कि दो नहरें हैं, पहले भी गांव बटा हुआ है और उसके बाद जब ये सड़क बनने एलिवेटेड जो चार बांट देगा, ना तो रास्ता है, ना खाड़ा है, ना नाड़ा है। सिर्फ मुआवजे से बात समस्या का हल नहीं होगा, उस मुआवजे के साथ अंडरपास भी आपको देना जरूरी है। इसका अंडरपास का भी प्रोविजन नहीं है, ना अखाड़े का प्रोविजन है, ना रास्ते का प्रोविजन है, अंडरपास का कैसे करेंगे। तो मेरा सुझाव है या तो कम से कम चार गुना मुआवजा दें और साथ में पुनर्वास के पैसा दें। अगर ये नहीं दे पाते तो भाई सीधा सा सुझाव हमारा है, इस नहर से लेकर उस नहर से कम एलिवेटेड, जिस तरीके से मेट्रो का है हाँ एलिवेटेड बना दो, किसी को ना तो गांव को दिक्कत, ना किसी सड़क किसी को लगेगा, तो भी काम चल सकता है। पर मेरा कुल मिला के वहीं आके खड़ा हूँ, नीति और नियत ठीक। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अच्छे से याद है जब इसी राजस्थान कैनाल में सीसी लेयर डली जा रही थी तो आपने एक सुजेस्ट किया था सरकार को और उसके ऊपर सरकार को आना पड़ा था और हजारों किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो आपकी वजह से ख़त्म हो गया था। आपको लगता है अगर ये सुजेशन सरकार इस बात पे एक्सेप्ट एग्री करती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आफत टल सकती है, गांव भी नहीं डूबेगा, लोगों की ज़मीन के टुकड़े नहीं होंगे और उन्हें हाथ भी फैलाने नहीं पड़ेंगे, तो ये प्रपोजल सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती। नहीं, मैंने अभी तक उनके सर, मैंने ये सुझाव आज मैं इन लोगों के सामने रखा था, क्योंकि पहले कम से कम जो जनता है वो तो सहमति दे। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ, जनता को सहमत ना हो तो वो तो, मैं तो सिर्फ लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, जो जनता कहेगी वो फैसला मुझे। मैंने इनके सामने ये सुझाव रखा है तो इन लोगों ने इस सुझाव को कहा नहीं ठीक है ये, अब इस पर हम बात करेंगे उनसे, मैं डीसी महोदय से भी बात करेंगे, जो इनका पीडी है उनसे भी बात करेंगे, और मेरी कोशिश, अमित की कोशिश रहेगी कि सवाल रिश्ते में छोटा बड़ा हो सकता है, रिश्ते में दुष्यंत अमित के भतीजा लगता है पर विपद है, अमित विधायक के रूप में उसके पास जाएंगे ये प्रपोजल लेके कि भाई आप उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ आप रेवेन्यू हैं, तो हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, आप फैसला कर दो। समस्या किसान कहाँ कहाँ कितना कितना आज भी परेशान है किसान, कहीं कोविड के मारे में, कहीं आपके सामने उखेड़ा है, कहीं सफ़ेद मक्खी है, फसल बर्बाद हो चुकी है, फसल सर पर आके खड़ी है। किसान कोई खुशी से थोड़े बैठा, हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के, हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, पर कम से सकारात्मक फैसला सरकार भी तो करें। आप बताएं इसमें क्या गलत है, या तो सही मुआवजा दे दें, अगर ये कहते हैं नहीं हम दे सकते तो आप एलिवेटेड बना दें, बात खत्म। कौन से बहुत बहुत 20-20 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़कें बनी हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, आपको पानीपत में जाओ, पानीपत शहर के अंदर अकेले शहर के अंदर 5 किलोमीटर पुल बना है, पूरी दिल्ली को सारा है, तो यहाँ एलिवेटेड बना दो, समस्या हल हो जाएगी, हम इसकी कोशिश करेंगे, बाकी फैसला सरकार। सर हमारी मेंबर पार्लियामेंट भी दुगल हैं हमारे, उन्होंने अभी तक आकर किसानों के बीच में बात को सुनना तक पसंद नहीं किया और शव यात्रा तक निकालनी पड़ी। आपको लगता है वो भी केंद्र में बात को अगर रखें, इस बात को, पूरे प्रपोजल को किसानों के बीच में आकर, तो शायद बहुत आसानी से काम नहीं। चलो मैं किसी व्यक्ति पे राजनीतिक तौर पे इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टीका टिप्पणी नहीं करूँ, हाँ मैं जरूर उनसे मैं खुद बात करूँगा, क्योंकि वो हमारी सांसद, मैं बात करूँगा उनसे कि आप इसको अपने लेवल पे लोकसभा में, सदन में, या जरूरत पड़े तो जो आपके मिस्टर गडकरी हैं उनसे मिले, हम मिलने को बात करेंगे, पर फिर भी आपकी बात ठीक है, उनका नैतिक फर्ज बनता है। डॉक्टर साहब, अभी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दिया है, किसानों के इसी अध्यादेशों के खिलाफ उन्होंने, वो भी खड़े हुए हैं। आपको लगता है हरियाणा में भी अब सुगबाट ये है कि डिप्टी सीएम को भी दे देना चाहिए इस्तीफा, सही जायज है सर, मैंने सही किया? देखिए वैसे तो हरसिमरत कौर का जो इस्तीफा दे रहा है दुरुस्त आए, उन्होंने अपने मन से इस्तीफा नहीं, जनता का दबाव माहौल को देख के चुनाव सर पे थे, अब वो सिर्फ उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश कर, अगर ये बात ही तो, अगर उनको सही मायने में किसानों की पीड़ा है तो एनडीए से बाहर आए ना, मंत्री पद से क्यों छोड़ा, एनडीए से बाहर आए,
एनडीए से तो बाहर आ नहीं रहे, एनडीए के साथ तो समझौता किए बैठे हैं और मंत्री पर। खैर फिर भी मैं मानता हूं कि चलो देर आई दुरुस्त आई, कुछ तो फैसला किया। मैं इस बात को, मैं आपसे पहले भी यहाँ बात रखी थी कि जिस तरीके से जजपा के नेता कहते हैं कि किसानों के लाठी चार्ज हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उनकी जायज़ न्यायिक इंक्वायरी की मांग करते हैं, कहते हैं वो लाठी उन पे नहीं हमारे परिवार पे पड़ी है, तो भाई अगर इतना ही दुख है तो उस दुख को दूर करो, या तो तीनों अध्यादेश वापस लो आओ, और अगर सही मायने में आप किसान हितेशी हो तो मैं नहीं मान सकता। अगर किसान हितेशी और अगर वो चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगाने का अगर सही मामले में हकदार, तो तभी हो सकते हैं कि आज सत्ता का लालच छोड़कर किसानों के बीच आएं, तीनों अध्यादेश वापस कराएं, मुआवजा दिलाने का काम करें फसलों का और इस सड़क का मुआवजा दें, तब तो मानेंगे किसान हितेशी। अन्यथा मेरी सोच है कि वो उनसे नहीं सत्ता के हितेशी हैं, सत्ता से। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, और जेजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये लाठियां उन पर नहीं हमारे ऊपर बरसाएगी। मतलब बात तो साफ है किसानों पर लाठियां बरसाएगी, मगर सरकार एक तुक बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैंने ये पहले आपसे इससे पहले भाषण में ये कहा था कि इस सरकार का ना सर है ना पैर है, ना तालमेल है ना समन्वय, और इसीलिए मुझे बड़ा तकलीफ हुई। मैंने इसी बात का कहा ना पहले भी, अगर ये जजपा मानती है और जब सरकार में रह के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता है न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उसके अंदर गृह मंत्री ये कहे कि उसको कि दुष्यंत को ये एक चेतावनी दे कि जितना हिस्सा राज में तेरा है उतना ही मेरा है और इसलिए ऐसे बयान मत दें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इनके लाठी लगी हमें दुख है, दुख भी है न्यायिक जाँच भी मांग रहा है, तो भाई फिर अगर आपके कहने से न्यायिक जांच ही नहीं होती तो मेरे हिसाब से उनका इस पे पद पे बना रहने का कोई नैतिक अधिकार किसी का। अभी डॉक्टर साहब डबवाली में आपके प्रयासों से इतना बड़ा हॉस्पिटल बना और आपने लगातार डबवाली के लिए संघर्ष किया, कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर फिर से कश्मकश है। गृह मंत्री डिप्टी सीएम के इलाके से अल्ट्रासाउंड मशीन को उठाकर ले गए हैं, जिसको लेकर शहर के लोग लामबंद हुए हैं, मांग उठाई जा रही है रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए और मशीन वापस आनी चाहिए। आपको लगता है इस पर डिप्टी सीएम को भी स्टैंड लेना चाहिए, खुद उनका गृह जिला उनका खुद का इलाका है? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि उनको करना चाहिए था, इसको पहले से करना चाहिए। मैंने तो आपको ध्यान होगा उस वक्त भी जब ये घोषणा की थी कि 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बन गया, तो कुछ साथियों ने मेरी दूसरी पार्टी के साथियों ने मिठाइयाँ भी बांटी कुछ, तो मैंने उसमें कहा मेरे को बहुत बड़ा तजर्बा है क्योंकि मैं इस महकमे का डॉक्टर रहा हूँ, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। आप घोषणा तो कर दिया 100 बिस्तर, कम से कम स्टाफ तो पूरा करो। अगर स्टाफ तो अगर 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल भी अगर स्टाफ पूरा हो जाए तो भी आपकी सेवाएं दे सकते हो। 100 बिस्तर लगाने से मरीज तो 100 आते नहीं यहाँ। हम स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ाते हैं कि स्टाफ बढ़ जाए, पर आज के दिन दुर्भाग्य से घोषणा तो 100 बिस्तर की है और स्टाफ 50 बिस्तर वाला भी नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गलत फैसला है। हम भी उसको लेटर भी अमित ने पत्र भी लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कृपया करके मशीन ना ले जाएं, मशीन को वापस लौटाएं और कम से कम यहाँ रेडियोलॉजिस्ट दें। अगर आप परमानेंट नहीं दे सकते तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाने का अधिकार दे दें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा सकते हो NRHM के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, पर इस सरकार की भेदभाव की नीति है और हम मांग करेंगे आपके मार्फत भी कि दुष्यंत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए और फौरी तौर पे मशीन को वापस करें और यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करें। डॉक्टर साहब हमारे विधायक साहब हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, मगर आवाम ये चाहती है कि डॉक्टर साहब पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक काफ़ी आप सर मतलब लोगों के बीच में नहीं आ पाए, क्या सबसे बड़ा वजह है? एज के मुताबिक आप कोविड के चलते अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, कब तक लोगों के बीच में आएंगे ये सवाल है। नहीं, मैंने आप लोगों से आइसोलेट किया हुआ तो मैं मीडिया के साथ काम मुखबर नहीं हुआ और पर्दे के पूरा हर महीने में दो बार आता हूँ मैं बाकायदा, और मैं 10 दिन यहाँ लगा के जाता हूँ क्योंकि मीडिया का काम ज़्यादा आपके स्थानीय विधायक को दे रखा है। जितना मैंने जो लोगों से वायदा किया तो वायदे से नहीं मुकर सकता। बिल्कुल।
मैंने जनता से कहा था कि आप एक वोट देंगे, मैं आपको दो विधायक दूंगा। तो काफ़ी कुछ मैं जब यहाँ ये फील्ड में होता है तो चंडीगढ़ में जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका पीछा लेके उस पर पूरा कराने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको सरकारी जब विपक्ष में होते हो तो काम निकलवाने में काफ़ी दिक्कत। अभी मैं बहुत दिनों से मांग थी मेरे मलिकपुरा और जंडवाड़ा के लोगों की, जो जंडवाड़ा सब माइनर में एक खाड़े की, और आप विश्वास नहीं करेंगे पिछले 6 महीने से लगातार, क्योंकि कोविड का वक्त है, बजट की कमी भी है, और वो 2,47,00,000 का खाड़ा अभी मंजूर करा जिसका काम आज ही अमित शुरू करवा के है। तो ऐसे बात नहीं है, काम कर रहा हूँ, कहीं पर्दे के पीछे भी कर रहा हूँ, कहीं पर्दे के आगे भी कर रहा हूँ, काम पूरा मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, आप अपना ख्याल रखें और हमेशा आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डबवाली से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर केवी सिंह, जो आज सीधे स्पेशली डबवाली के अबूब शहर में किसानों के धरने पर पहुंचे हैं, और उन्होंने इसका बहुत बढ़िया एक अल्टीमेटम, एक हल के तौर पर सजेशन भी निकाला है, और वो खुद सरकार के इस महकमे से बातचीत करेंगे, खुद वो हमारे जो MP दुग्गल है उनसे, सांसद जी से भी बात करेंगे, ताकि किसानों के इस समस्या का हल करवाया जा सके। और हमें पूरी उम्मीद है इस पूरे बातचीत के बाद कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब के पास बहुत बड़ा अनुभव है, उनको इस पूरे टेक्निकल भी, उनको तमाम उन बिंदुओं फैक्ट के साथ उनको पता है, उन्होंने फाइल को अपने हाथ में लिया है, और खुद विधायक अमित सियाग उनके साथ धरने पर इस पर पहुँचे हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी किसानों को कि अगर अबूबशहर गाँव के लोग और सभी किसान ऐसा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस हाईवे के ऊपर आ रही जहमत को दूर किया जा सकता है, निश्चित तौर पर किसानों की मेहनत रंग लाएगी, और सरकार को भी झुकना जरूर पड़ेगा। और अभी तक दुख इस बात का किसानों को है कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इस धरने पर नहीं पहुंचा है, मगर देर आए दुरुस्त आए, आखिर आना पड़ेगा, हर हाल में किसानों की जीत होगी, और हम भी लगातार किसानों की इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, और आपसे भी गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट को हम कामयाबी की तरफ ले जा सकें। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।